और इंदौर वनडे में टीम इंडिया को पांचवी कामयाबी, 248 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका के 5 विकेट। नमस्कार, मैं हूं आमोद राय। बिहार के भी साथ में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं बिहार के गोपालगंज जिले में। गोपालगंज जिला जहां राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ। इस जिले में थावे जैसा धार्मिक और दार्शनिक जगह भी है, लेकिन उन सब चीजों को बताएं और दिखाएं उससे पहले जिले के चुनावी गणित पर एक नजर। गंडक नदी के पश्चिमी तट पर बसा यह है बिहार का सीमांत जिला गोपालगंज। गोपालगंज जिले की पहचान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से होती है। गोपालगंज लालू का गृह जिला है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में यहां की 6 सीटों में से लालू की पार्टी आरजेडी एक भी सीट नहीं जीत सकी। जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं, इनमें से फिलहाल 3 सीटें बीजेपी और 3 सीटें सत्ताधारी जेडीयू के पास हैं। बरौली, गोपालगंज और भोरे सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, जबकि बैकुंठपुर, कुचायकोट और हथुआ सीट जेडीयू के खाते में है। लेकिन इस बार का चुनावी समीकरण पिछली बार से बिल्कुल अलग है। इस बार बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में गोपालगंज की 6 सीटें जेडीयू के लिए ही नहीं बल्कि लालू के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। गोपालगंज की राजनीति में भले ही ब्राह्मण, भूमिहारों और राजपूतों का दबदबा रहा है, लेकिन जीत हार के फैसले में मुसलमानों के 17% और अनुसूचित जाति के 12.5% वोटरों का अहम रोल होता है। गोपालगंज जिले में जन्मे लालू यादव ने भले ही बिहार पर 15 साल तक शासन किया, लेकिन उनके अपने ही गृह जिले के हालात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि देश के 250 पिछड़े जिलों में गोपालगंज का नाम भी शुमार है। लेकिन इसके लिए यहां के लोग लालू को नहीं बल्कि पूरी राजनीति को जिम्मेदार मानते हैं। जनप्रतिनिधि लोग बोलते हैं कि इस गाँव से हमें वोट नहीं मिलता है, कोई काम हम नहीं करेंगे, यहाँ ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, विद्यालय है तो उसकी स्थिति जानते ही हैं। आज़ादी के बाद भी हमको बिजली देखने को तक नहीं मिली। यहाँ के नेता आश्वासन देते देते हम लोग का मैं थक गए हैं, अब हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं। भोजपुरी भाषी ये जिला ईंख उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ की जमीन उपजाऊ है, लेकिन गंडक की लहरें गोपालगंज पर कई बार कहर बरपा चुकी है। पिछले कई सालों से यहां के लोग बाढ़ की त्रासदी से बचने के लिए सारण में तटबंध की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये मांग हर चुनाव में सिर्फ मुद्दे के तौर पर ही भुनाया जाता है। दिक्कत है जो हम लोग का खेत भी नहर में चला गया, खेत से हम दिल खेत के हो गया, तो सारा खेत है बीघा के बीघा, प्लॉट के प्लॉट खत्म। कोई भी यहाँ खबर नहीं लिया है, हम लोग जाके एप्लीकेशन भी देते हैं कि हमारे यहाँ ये हालत है, हमारे यहाँ किसान मर रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारे जाने के बाद भी प्रतिनिधि लोग हमसे सीधे ढंग से बात नहीं करते हैं। विकास के नाम पर गोपालगंज जिले में गिनती करने के लिए कुछ भी नहीं है। बिजली और बेरोजगारी की समस्या से यहां के लोग सालों से जूझ रहे हैं और अब तो जैसे इसकी आदत सी पड़ चुकी है। यहां पर नामे निशान नहीं है, कभी भी इधर नहीं आया बिजली, उधर सब कुछ है तो है। आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा। बिहार के दो दो मुख्यमंत्रियों के गृह जिले गोपालगंज में विकास की गंगा कितनी बही है, ये देखने और समझने हम गोपालगंज पहुंचे।
लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो कहीं से भी संतोषजनक नहीं है। खैर, हम उन सब बातों की पड़ताल करेंगे, लेकिन सबसे पहले गोपालगंज सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक की ही जुबानी सुनते हैं कि आखिर विधायक महोदय जिस विकास के नारे के साथ चुनावी सभाएं कर रहे हैं, उस विकास के लिए उन्होंने अब तक क्या क्या काम किए हैं। किन किन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं? सुशासन और विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, और हम दो टर्म से यहाँ विधायक हैं। करीब करीब पूरे बिहार में आपको यही एक विधानसभा क्षेत्र मिलेगा जहाँ हर गांव को हमने विधायक निधि से बिजली पहुंचाने का काम किया। विधायक जी का दावा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई है, लेकिन इस दावे की हकीकत क्या है, जरा अब हम आपको वो दिखाते हैं। गोपालगंज के माझा सेक्टोली में हम इस वक्त मौजूद हैं, और तमाम विकास के दावों के बावजूद मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिससे आपको काफी हैरत होगा। आज तक आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज तक इस गांव में बिजली नहीं है, और इस गांव को मैं आपको दिखाऊंगा, तकरीबन 3-4 टोले हैं जहां पे हजारों की तादाद में आबादी रहती है और यहां पे कोई बिजली का नामो निशान नहीं है। गांव वाले बिजली क्या होता है इन्हें पता नहीं है, और इनको आप शहद देख सकते हैं कि गांव वाले जैसे ही यहाँ जाने की आए हैं मीडिया वाले, तो इनको बिजली की जो दरकार है उसके लिए सारे सड़क पर आ गए हैं। हम आपसे कुछ लोगों से बातचीत करवाएं जो ग्रामीण हैं, यहाँ बिजली कभी आज तक आई ही नहीं, बिजली आज तक आई नहीं, और नेता वर्ग के लोग कहा कि लालटेन चाहिए एक बिजली चाहिए, तो लालटेन भी गया बिजली भी गया। लग जाएगा कुछ भी नहीं होता है, जब इलेक्शन आता है बस ये हुआ वो होगा, वो कुछ नहीं होता बस। अभी चुनाव आया है तो सारे नेता जी लोग आएंगे और आप लोगों से वोट मांगेंगे। जी हाँ। बिजली के अलावा विधायक जी का दावा है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर गांव की सड़कें भी बनवाई, जिसकी वजह से गांव से शहर आना आसान हो गया है। लेकिन इन सड़कों की हालत देखकर यही लग रहा है जैसे देर आए भी तो दुरुस्त नहीं आए, यानी सड़कें हैं लेकिन नाम की। मैं मौजूद हूं गोपालगंज से महज 6 किलोमीटर दूर, भवानीगंज का ये जगह है, और आपको मैं यहां की सड़कों का हालत दिखाना चाहूंगा। सड़कों की हालत देखकर आपको लग सकता है कि जो यहां के विधायक का दावा है और जो शासन का दावा है कि सड़कें बिहार में बहुत अच्छी बनी हैं, उसका क्या हालत है। आप देखिए, ये सड़क जो है कहने के लिए सड़क है, पूरी तरह से टूटी हुई है, और यहाँ पे लोगों का जो आवागमन है वो काफ़ी दिक्कतों भरा है। जो गाड़ियाँ आती हैं वो 10 से ज़्यादा की स्पीड में यहाँ से नहीं निकल सकती हैं, और ऐसे में गांव से शहर को जोड़ने वाला ये एक लिंकेज रोड है, और अगर किसी प्रसव पीड़ा से जुड़ी हुई महिला को जाना हो तो उसकी क्या हालत होगी, आप सहज समझ सकते हैं। मौजूदा विधायक के खिलाफ महागठबंधन की ओर से आरजेडी के रियाजुल हक चुनावी ताल ठोक रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। गोपालगंज का हम घूम रहे हैं, लोगों का स्नेह प्रेम मुझे मिल रहा है, अपार भीड़ मेरे साथ रह रही है, हर जात का हर तबका के लोग मेरे साथ हैं। अभी जो है रिकॉर्ड मोड से हम लोग जिताएंगे, हमें उम्मीद है लोगों का स्नेह प्रेम जो मिल रहा है। तो आपने देखा गोपालगंज विधायक के दावे वादे और उसका सच क्या है। अब हम आपको ले चलेंगे हथुआ विधानसभा में। हथुआ विधानसभा के विधायक का दावा वादा और उसकी सच्चाई क्या है, इसे रूबरू कराएंगे। गोपालगंज सीट के बाद अब रुख करते हैं जिले के ही हथुआ विधानसभा सीट का, जहां इन दिनों माहौल चुनावी हो चला है, तो इलाका नेताजी के समर्थन के नारों से गूंज रहा है। हथुआ विधानसभा सीट का ज्यादातर इलाका ग्रामीण है, लिहाजा विकास की रफ्तार यहां गोपालगंज से भी ज्यादा धीमी है। पिछली बार हथुआ की जनता ने जेडीयू के रामसेवक सिंह को चुनकर विधानसभा भेजा था, इस बार भी जेडीयू के टिकट पर ही चुनावी मैदान में हैं। लेकिन पिछली बार के हिसाब को लेकर क्या दावा कर रहे हैं, पहले जरा वो देखिए। सबसे पहले तो मैंने यहां विधि व्यवस्था को बरकरार रखने का प्रयास किया। दूसरा है कि सड़क का जाल सुदूर इलाका से लेकर शहरी क्षेत्र में सड़क निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा संख्या में सड़क का निर्माण कराया गया। तीसरा है कि बिजली के क्षेत्र में लगभग 150 गांवों में विद्युतीकरण का कार्य कराने का काम किया है।
नेताजी इलाके के विकास का दावा कर रहे हैं, लेकिन दावों की हकीकत की पड़ताल भी जरूरी है। ये तस्वीरें विधायक जी के दावों की हकीकत खुद बयां कर रहे हैं। हथुआ विधानसभा क्षेत्र के कई गांव ग्रामीण कम और पिछड़ेपन की कहानी ज्यादा बयां करते हैं। गोपालगंज जिले का हथुआ विधानसभा क्षेत्र और हथुआ विधानसभा क्षेत्र में कुसौधी को जोड़ने वाला जिला मुख्यालय से ये मुख्य मार्ग है और इसकी हालत आप देख सकते हैं। शासन और प्रशासन का दावा है कि बिहार में सड़कों की हालत बहुत बेहतर है, अच्छी है और ये मुख्य रोड है, मुख्य मार्ग है और इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंडीशन यहाँ क्या है। इसके अलावा आपको मैं दिखाऊं कि ये लंबा पैच है, यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर का पैच है और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इससे थोड़ी दूर पहले तक सड़क बनी है, वो अच्छी है और उसके बाद ये सड़क जो बनी है उसमें सारी की सारी सड़कें टूटी हुई हैं। यहाँ गांवों से लिंकेज रोड है और कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा गांव यहाँ पे जुड़ते हैं। कुछ लोग यहाँ पे आए, उनसे पूछते हैं कि कब से सड़क टूटी है और क्या हालत है यहाँ पे, ये सड़क कब से टूटा हुआ है? 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया। कोई आता नहीं है यहाँ पे विधायक उधर देखने बनवाने? कोई नहीं आता है। कब से आप देख रहे हो इस तरह का टूटा हुआ सड़क? छोटे से ही देखने के टूटा हुआ, 2-3 साल से। 3 साल बना है? नहीं बना है। अच्छा, तो ये सड़क का हाल आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से है और जगह जगह सड़क टूटा हुआ है, पैचेज भी नहीं लगाए गए हैं और सालों से सड़क ये टूटा हुआ है। ग्रामीणों का ये कहना है कि कई सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं है तो किससे बात करें। सीट बंटवारे के तहत जीतन राम की पार्टी के उम्मीदवार महाचंद्र सिंह एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार हैं, लेकिन इलाके से निर्दलीय पर्चा भरकर राजेश सिंह कुशवाहा ने अपनी ही पार्टी बीजेपी के खिलाफ हो गए। अब घर घर जाकर लोगों से खुद को जिताने की मांग कर रहे हैं। पब्लिक राय की आपको चुनाव निर्दलीय लड़ना है तो उन लोगों के बात मानकर लड़ रहा हूँ और पार्टी से बढ़ के और पार्टी का भी मुझे दोनों सहयोग मिल रहा है। खैर, चुनावी मौसम में हर नेता नए वादों के साथ अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगा है, लेकिन जीत किसके हाथ लगेगी इसका फैसला जनता जनार्दन को ही करना है। गोपालगंज जिले के 2-2 विधायकों के दावों की हमने हकीकत जानने की कोशिश की। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपको एक किसानों के गांव में ले चलेंगे और जानेंगे उनका हाल क्या है। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर है, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज MTH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले दे चैन चाओ। आपके मेहरबानी से MTH, the real spice of India। BEE और विद्युत मंत्रालय एनर्जी कंजर्वेशन विषय पर स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता करवा रहा है। इसमें एंट्री प्राप्त करने की तारीख 26 अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दी गई है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से अनुरोध है कि 4th से 6th तथा 7th से 9th क्लास दोनों की 2-2 बेस्ट पेंटिंग्स तथा जितने विद्यार्थियों ने भाग लिया इसकी सूचना राज्य के नोडल अधिकारी तक अवश्य पहुँचा दें। नोडल ऑफिसर्स के पते की जानकारी के लिए www.beeindia.gov.in पर लॉग ऑन करें। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC IDT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक, द प्राइड ऑफ इंडिया। विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई, 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते, पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में। अब हर 24 रुपए के डव पार्क के साथ पाइए 5 रुपए का डव ट्विन सैशे फ्री। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। Introducing 2 new fragrances from Engage Tio Sprays. Give in to the language of love.
ब्रेक के बाद बिहार के बिसात में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं गोपालगंज जिले के सुदूर गांव में, जो हथुआ कंस्टिट्यूएंसी में पड़ता है, और यहां पे लोगों की क्या समस्याएं हैं जानने की कोशिश करेंगे। लोक जनप्रतिनिधियों से कितने खुश हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। आप का नाम क्या है, क्या दिक्कत है इस गाँव में, क्या समस्याएं हैं? लाल बाबू सिंह और मेरा नाम है जी। दिक्कत है नाली का जी। और जो सब्जी वब्जी उपजाते हैं वो सूख जाता है, उसको देखभाल करना तो जरूरी है। अच्छा, मार्केट नहीं है यहाँ? हाँ, मार्केट भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे किसानों की एक बड़ी भारी दिक्कत है कि यहाँ पे सब्जी की जो खेती होती है उनको उचित पैसा उसका नहीं मिलता है, शहर में ले जाकर उसको बेचा जाता है। सिंचाई का यहाँ उचित प्रबंध नहीं है? नहीं। तो कैसे आप लोग खेती करते हैं? हम लोग उसी तरह खेती करते हैं, भगवान भरोसे। हाँ। तो यहाँ पानी की भी एक बड़ी दिक्कत है, यहाँ बहुत भारी स्तर पे बड़े मात्रा में सब्जी की खेती होती है, सब्जी प्रधान गांव है। एक और सज्जन मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि क्या दिक्कत है आपको, आपका नाम क्या है और दिक्कत क्या है बेसिकली? जय कुमार सिंह मेरा नाम हुआ जी। यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग बोलते हैं कि इस गाँव से हमें वोट नहीं मिलता है, कोई काम हम नहीं करेंगे, यहाँ ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, विद्यालय है तो उसकी स्थिति जानते ही हैं। अच्छी जो है विधायक है ना पुरान का, कोई हमने राजनीति में कोई काम नहीं किया है, आज जनता को तवा था, मान लीजिए राशन कार्ड को जो भी किया कुछ नहीं दे रहा है। और भी लोग हैं, इनसे जाने की कोशिश करते हैं। बेसिक दिक्कत जो है, यहाँ पीडीएस सिस्टम काम नहीं करता, यहाँ गाँव का फसल जो है औने पौने दाम में बिक रहा है, और बारिश की पानी पे पूरा निर्भर है। आपको क्या लगता है, और कोई दिक्कत है इस गांव में, बिजली की क्या हालत है? जी, मैं बिजली के बारे में कहूँ, बिजली इतना दयनीय स्थिति हो गया, जब कहा नहीं था। देखिए सामने जो अभी पोल नहीं है, बांस के खामा पर जो चल रहा है, जैसे भी ट्रांसफार्मर जर गया था, हम लोग विधायक के पास गए थे, वो बोल रहे थे जो साल दो साल के बाद लगेगा, तो नहीं किए। पूरा हम लोग गाँव का समूह गया था, वो बोले जो नहीं होगा। फिर हमारे जो राजेश बाबू है वो हमको ट्रांसफार्मर दिया है। बिल्कुल, तो देखिए ये गांव की एक बड़ी भारी दिक्कत है, बिजली नहीं है, बिजली समय पे नहीं आती है, और जो है भी और आती भी है उसको भी लोग अपने पैसे से बांस पे टांगकर अपने अपने घरों में ले गए हैं, यानी पोल नहीं है, खंभा नहीं है। और भी कई लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। क्या दिक्कत इस गाँव में, क्या दिक्कत है? पानी निकास का नाला नहीं है, बारिश की बहुत हम लोग परेशान हो जाते हैं। आपको क्या लगता है बेसिक दिक्कत इस गांव में जो है आपके हिसाब से क्या है, और उसको उसका हल क्या है? हल तो है, देखिए हम लोग जो करते हैं, हम लोग करते हैं तो उसके लिए पूरी व्यवस्था नहीं है, किसी के पास कोई खास व्यवस्था नहीं है, किसी के पास है तो करते हैं अपना। और व्यवस्था की बात है तो पानी की व्यवस्था जरूरी है खेती के लिए, और हमारे यहाँ पूरी तरह से व्यवस्था नहीं है खेती। नहर है तो चारों तरफ नहीं फैला है, उसकी नालियाँ बनी थी टूट गया सब, उसके पास से कोई भी कर्मचारी उस पर ध्यान नहीं देता है, सभी लोग अपने अपने पंपी सेट के लिए जिसके पास होता है वो करता है। ये तो ना, और जब ये नहर का पानी हमेशा रहे, नाला टूटा फूटा सब बन जा, जे जनता को खुशी हो जा, ये पेट भरे लगे। ये किसान को क्या चाहिए, पानी चाहिए, नहर चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए, उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा आकांक्षा नहीं है। आप इस गांव के रहने वाले, आप बताइए कि यहां पे क्या और दिक्कतें हैं, और जनप्रतिनिधियों से क्या अपेक्षा है? यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत है, यहां पे पास में हमारे यहाँ शुगर मिल था, वो अभी फिलहाल बंद पड़ा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री भी आए थे, वो बोले थे कि जो शुगर मिल चालू होगा, लेकिन इस बार भी चालू नहीं हुआ। यहां नेता जो आता है वादा करता है और ये कहता है कि हम मिल चालू करा देंगे, लेकिन मिल पिछले डेढ़ दशक से चालू नहीं हुआ। और यहां पे और भी एक दो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो मिल चलते हुए देखते थे और गन्ना लेकर जाते भी थे, और उनका पुर्जी भजा है कि नहीं, आप लोगों का पैसा बकाया जो चुकता हुआ कि नहीं? बाकी ला गया तो बाकी लग गया, जो मिला तो मिल गया, जो बाकी लगा वो जब मिल चलेगा तो फिर मिल जाएगा, तो मिल बना गया तो बंद हो गया, उसके बाद एक भी पुर्जी के रुपया ना मिला। तो जनप्रतिनिधियों से आप लोग क्यों नहीं कहते हैं कि मिल शुरू कराओ? क्यों पूछता है कोई, जाने पर कोई सुनता है, कहता है ये नहीं, कौन सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई ना। तो पैसा लेने के लिए पुर्जी आता है, दूसरे किसी के अकाउंट में आता है, उसके बाद अकाउंट में भजाने के लिए चप्पल खिया जाता है तभी पैसा नहीं मिलता है। माने इतना परेशान है यहाँ का जनता, माने पुर्जी के लेकर जी पूछिए मत सर, बहुत परेशान है।
तो ये है मीरगंज के बगल में हथुआ विधानसभा का सेमरावना गांव, कृषि प्रधान गांव है, तमाम समस्याएं हैं, खेती यहां का मुख्य व्यवसाय है और खेती करने वाले कौम के लोग यहां ज़्यादा रहते हैं और उनको उनको उचित पैसा उनको नहीं मिल रहा है, उनको उचित हक उनको नहीं मिल रहा है, तो ये इनकी समस्या है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपको गोपालगंज के एक ऐसे जगह पर लेकर चलेंगे जो आज भी 21वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी की तरह जी रहा है। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। कैसा हो हमारा घर जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI प्रोजेक्ट, adjacent to F1 बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, कंस्ट्रक्शन इज इन फुल स्विंग। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स, मोर लाइफ मोर स्टाइल। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। हमारे संस्कार, हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी, दीवाल पीएच प्लस। कैसे पता ये पानी प्योर है? कम कहाँ? प्योरिट अल्टिमा RO प्लस UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टिमा RO प्लस UV विद प्योरिटी इंडिकेटर। ब्रेक के बाद बिहार के बिसात में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोपालगंज जिले के लछवार में। लछवार में माता का मंदिर है। लोगों का ऐसा मानना है कि जो मेडिकल साइंस नहीं कर पाता वो यहाँ माता के मंदिर में आकर पूरा हो जाता है। गोपालगंज जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर स्थित ये है थावे वाली माँ का प्राचीन मंदिर। यूं तो बिहार में कई प्रसिद्ध देवी मंदिर हैं, लेकिन गोपालगंज के थावे भवानी मंदिर को जागृत शक्ति पीठ माना जाता है। भक्त थावे मंदिर में आकर सिंहासिनी भवानी माँ के दरबार का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेकर लोग खुद को धन्य समझते हैं। छावे माँ का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इसी शक्तिपीठ से चंद दूर पर स्थित लछवार के दुर्गा मंदिर का परिसर अंधविश्वास का प्रतीक बन गया है। इक्कीसवीं सदी और डिजिटल युग में लोग आज भी यहां अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के शिकार हैं। लिच्छवी मंदिर के बाहर अंधविश्वास का ऐसा खेल चलता है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। यहां आने वाले लोगों में ऐसी धारणा है कि यहां आने से उन पर कभी भी बुरी आत्माओं का असर नहीं होता। कुछ दिक्कत नहीं है, सूत्र है।
आराम है? हाँ, 10 रोज हो गया। तकलीफ में कमी है? अच्छा है। तीन फेड़िया बाजार से आए हैं, तकलीफ देह में है, 2 महीना हो गया। आँखों पर अंधविश्वास की पट्टी बांधे लोग यहाँ अपनी सेहत ठीक करने के लिए पहुँचते हैं, जिसकी वजह से यहाँ तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक का खेल खेलने वालों का धंधा हर दिन यूं ही फलता फूलता रहता है। रोग भी ठीक होता है। मान लीजिए कि पागल लोग आ रहे हैं, चाहे किसी को बच्चा नहीं है, चाहे असाध्य रोग है, इस तरह से ही प्रसिद्ध है मंदिर। हर साल नवरात्र के मौके पर यहाँ स्थित दुर्गा मंदिर में दूर दराज से लोग आते हैं। असम, नेपाल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से लोग इस धारणा के साथ पहुँचते हैं कि यहाँ उन्हें उनके शारीरिक मर्ज से मुक्ति मिलेगी। तकलीफ ये जो माँ दुर्गा माता के भरोसे यहाँ पे है और माँ के कृपा से ही सब कुछ चलता है। माँ दुर्गा जो है लक्ष्मार वाली माई, इनके कृपा से भूत प्रेत पाने जहाँ भी हो, जिसका यहाँ पर आने पर ही ठीक होता है। अंधविश्वास और अंधभक्ति के इस खेल को रोक पाने में ना तो कभी कोई प्रशासनिक कोशिश होती है और ना ही जागरूकता फैलाने की पहल, और नतीजा इस ऐतिहासिक जगह की पहचान अब भूत और प्रेतों को भगाने वाली जगह के तौर पर होने लगी है। बिहार की बिसात में गोपालगंज से फिलहाल इतना ही। हम फिर एक नए जिले में नए मुद्दों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। बिहार में कालत है, लौकत है, पर ठेकत नहीं। बिहार का चुनाव ये पूरे देश का चुनाव इस मायने में है कि मोदी जी इज्जत दाम मिले। जब बात हो सही चुनाव की, तब अनुभवी आता है निकल कर सबसे आगे। सतीश के सिंह, ओम थानवी और नीलाभ मिश्रा के साथ बिहार करेगा अपने कल का सही चुनाव। बिहार चुनाव 2015 सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। प्रायोजक है अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। नेताजी के परिवार ने पीएम से की मुलाकात। पीएम मोदी करेंगे नेताजी की फाइल सार्वजनिक। 23 जनवरी 2016 से शुरू होगी प्रक्रिया, पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। दादरी कांड और गुलाम अली पर खुलकर बोले पीएम। आनंद बाजार पत्रकार को दिया इंटरव्यू, दोनों घटनाओं पर जताया दुख लेकिन सवाल भी उठाया, दोनों में केंद्र की क्या रही भूमिका।
दादरी कांड और गुलाम अली पर पीएम के दर्द से शिवसेना नाखुश, संजय राउत ने